कूल, वी आर लाइव. हाय वानी, हाय, हाउ आर यू? हेलो सो सो मेनी पीपल आर हियर टुडे हाय. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. मैं एक एक करके अभी सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा. सबसे पहले हिंडोल इज हियर. हिंडोल ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली. कल उन्होंने सबसे खतरनाक मूवी क्विज फिनाले कराया था. वी हैड लाइक 1500 पीपल वॉचिंग द क्विज टुडे. जाकिर खान वॉज इन द कॉमेंट्स येस्टरडे एंड लाइक इट वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग क्विज. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिए. गाइज एक बार कॉन्फर्म कर दीजिए इफ द ऑडियो इज क्लियर. वानी आप भी कुछ बोलिए एक बार, लाइक पता चल जाएगा. हाय हेलो गाइज, जस्ट कन्फर्म कि ये ऑडियो आ रहा है या नहीं. एंड हाउ आर यू हिंडोल? वाई डिडंट यू टेक अ ब्रेक? आई एम ग्रेट. आई स्लेप्ट द एंटायर डे. आई वॉच्ड वन मूवी एंड हियर आई एम. व्हाट डिड यू वॉच? सो हाँ, एक वेब आई वॉच्ड संदीप और पिंकी फरार दिबाकर बनर्जी वाली. अच्छी है क्या? हाँ, मुझे तो अच्छी लगी. मैं थिएटर में देखने जाने वाला था बट उसी टाइम में मेरे को कोविड हुआ था तो फिर मैं देख नहीं पाया. ओके तो हाँ, बट अच्छी लगी. ओके बट हाँ, बिफोर अच्छा ठीक है. वंस वी गो इनटू द डिबेट, देयर इज वन पॉइंट आई जस्ट वांट टू मेक लाइक रिगार्डिंग दिस एंटायर डिबेट. तो वो बाद में कर लेंगे. एक बार सबका इंट्रोडक्शन हो जाए तो वो कर लेंगे. प्लीज प्लीज विल हाँ गिव यू द चांस टू स्टार्ट. या सो आई विल क्विकली इंट्रोड्यूस एवरीवन. वी हैव निमिश and PU, like these two people are our patrons and like they are super nice people. PU ka aaj subah bhi ek video aaya tha channel pe. We had a call with our godfathers who are like our top tier like patrons and unhone bahut achi recommendations di thi. Hi PU, how are you doing? Good, thank you so much. I just said that ek subah pehla stint, raat ko dusra stint. Aaj bas ban gaye YouTuber, ban gaye aaj aap, like bas naya career option mil gaya mujhe. So Nimish, how are you doing, man? Pretty good, man. Excited for this debate. I didn't even expect it. You tumne message kiya and then I just came in. I'm like, yeah, interesting topic. Yeah. So pretty excited. And guys, if you want to do your plugins वगैरह आराम से खुला करो. Like कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ बताना हो. If you're working on something cool या कोई भी चीज़ है, like you can do it. It's okay. 120 people are already here. Like we also have Shreya joining us. Shreya, how are you? Hey, I'm good. Yeah. So like, should we go into the details or not? No, we will not go into details. Okay. I am good. Full stop. Okay, cool. So, and we also have Mr. Dhruv Chitkobeker joining us. Hi, Dhruv, how are you? Very well. Dhruv ke saath yaar maine ek podcast kiya tha guys kuch time pehle. You guys should definitely check it out. Aur ye hamare Shoe Dog wale stream mein bhi aaye the humse milne. Like it was a very very fun thing. And thanks for joining us on such a short notice, Dhruv. Yeah. My pleasure. Thank you for having me. Yeah. एंड आज तीन जो बाकी लोग हैं हमारे चलचित्र की साइड से, लाइक तैयब, हिंडोल एंड पथिक. हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड. हाउ आर यू पथिक भाई? पथिक कैसे हो यार? पथिक आप बताओ. बाकी बिल्कुल ठीक. हां बिल्कुल. आप किंडल के लाइक फॉर हो अगेंस्ट हो? लाइक वी विल जस्ट लाइक क्विकली आस्क यू. मैं बुक्स के फॉर हूं बट अगेंस्ट मैं किसी के नहीं हूं. आज थोड़ा अग्रेसिव होना था यार. ऐसे तो मतलब अपना पूरा मेडिटेशन हो जाएगा. हाँ, नहीं, बस जिसके साथ हो उसके साथ भी बने रहो तो फिर इनफ है. ओके सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एडवाइस. बिल्कुल. सो या लोग ऑडियो बुक्स की भी बात कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ गुड सेगवे एट सम टाइम. आई एम जस्ट लाइक figuring out all the so audiobooks pe bhi aayenge hum, but like let's just someone wants to jump in, like anyone like who likes Kindle or who like is in favor of paperbacks. Before we begin the debate, I just want to invalidate one point. जो हमारी इंग्लिश क्लास में स्कूल में बहुत ये डिबेट होता था किंडल वर्सेस पेपरबैक. हम लोग प्रॉपर अच्छे से पॉइंट्स लेके जाते थे किंडल का ये है वो है. बट सिंस इंग्लिश टीचर्स वर ऐसे स्टीरियोटाइप वाली बात नहीं, दे वांट वेल अवर्स विद टेक्नोलॉजी. तो कोई ऐसे आके बोल देता था कि पेपरबैक में फील आती है, फ्रेग्रेंस आती है, पेपर टच करो तो अच्छा लगता है, एंड देन दे वुड विन द डिबेट. तो मैं पहले ये बता देता हूँ, अगर आई एम श्योर ये पॉइंट आने वाला है तो जो भी खत्म हो गया ना तो पेपरबैक वाले बोलेंगे व्हाट विल द पेपरबैक. आपको
अरे तो नहीं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट लेके आना चाहिए, बट दिस इज आल्सो लॉजिकल ना, यही डिबेट चालू हो गया. हाउ इज इट नॉट फील नहीं तो ये लॉजिकल कैसे नहीं यार, किसी को अगर पेपर का टेक्सचर पसंद है. या आई लव स्निफिंग. या एग्जैक्टली, आई मीन टेंजिबिलिटी ऑफ द पेपरबैक इज द आई गेस बिगेस्ट पॉइंट. अ किंडल इज आल्सो टेंजिबल. नो, आई मीन इज आल्सो टेंजिबल. द फील, यू नो, द रगडनेस ऑफ अ पेपर, the tanned pages, how rugged if you feel it's rugged. Nahi, par Kindle screen hai na bhai, if you're watching a screen your eyes will be strained faster than if you're actually like, not reading Kindle a book. Just adds another screen to your life, I guess. It is not just one more screen. हम शुरू ही काफी aggressive. हाँ नहीं तो ये we set the right tone for the whole thing. तैयब भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं बोल रहा था वही मेरा पुराना डायलॉग, कर लो पहले तुम लोग फिर बात करते हैं. कहिए जॉनसन एट द लास्ट मोमेंट लाइक बताओ. नहीं अभी बताओ क्योंकि लाइक अच्छा वो टोन सेट हो जाएगा. तो नहीं आई थिंक पूरा एकदम से तो सारी बातें बोलना सही नहीं रहेगा, तो स्टार्ट करते हैं आराम से. तो इट्स लाइक दीज आर द टू थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट. तो बाकी लोग भी दिखा सकते हैं इफ दे हैव अ किंडल और अ बुक विद देम. ओह शिट, आई हैव बोथ. देखो सबसे पहली बात तो जहाँ हिंडोल भाई ने बात करी थी ना वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं. कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल अटैचमेंट व्हिच यू हैव विद द थिंग्स दैट यू ओन राइट. उसमें कोई गलत बात नहीं है. आई लव बोथ ऑफ दीज. लेकिन सम पीपल हैव बीन हैविंग दिस फॉर लाइक 10-15-20 साल तक, तो एक अटैचमेंट जुड़ जाता है. वही वाली बात है जैसे वाणी ने बोला कि इसकी खुशबू, इसकी फील, इसके अंदर आप मार्किंग करते हो, इसके अंदर देर आर लाइक क्रीजेज एंड यू रिमेम्बर द टेक्सचर ऑफ द पेज दैट यू वर रीडिंग, नॉट ओनली द पैराग्राफ्स ऑफ द थिंग्स राइट. तो वो शायद इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है. बट इसके अंदर भी अपने अपने अलग प्लस पॉइंट्स हैं जिसमें हम आगे बात करेंगे और भी लोग हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. तो बस मैं यहाँ स्टार्ट करना चाहता हूँ कि द वंस हु वर सेइंग दैट दिस इज जस्ट अनदर स्क्रीन, इट्स नॉट लाइक दैट. टेक्निकली ये एक इंक स्क्रीन है. इसका मतलब यह है कि अगर लाइट बंद होगी तो ये स्क्रीन पर दिखना बंद हो जाएगा. तो दिस इज नॉट द हाँ प्लीज. दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग इट राइट. किंडल कैन आल्सो बी ऑन योर फोन, ऑन योर आईपैड, दैट इज अनदर स्क्रीन. देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स जो आपको ईज ऑफ क्या लाइफ से मिलते हैं, तो वो तो रहेगा ही. बट अभी मैं जो बात करना चाह रहा था कि दिस इज नॉट द काइंड ऑफ स्क्रीन जो कि आपको डरना चाहिए कि अरे मेरी आंखें खराब हो जाएंगी या इफ आई यूज इट फॉर लाइक आवर्स एंड आवर्स तो दिक्कत हो जाएगी. दिस विल नॉट वर्क लाइक दैट. दिस इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वेरी क्लोज टू पेपर. ये आपको शायद तभी समझ में आएगा जब आप इसको एक बार हाथ में लेकर के कभी कभी फील करके देखोगे. नहीं, बट मैं जिन लोगों को आइडिया नहीं है बस उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज मोर और लेस लाइक पेपर. अब मेरा वाला जो मॉडल है विच इज लाइक द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इकोनॉमिकल मॉडल्स, तो यहाँ पे उन्होंने एक स्क्रीन लाइट का फीचर दिया है बिल्ट इन व्हिच आई कैन टर्न ऑफ एंड आई डू टर्न ऑफ इन द डे. रात में मुझे पढ़ना है तो दिस एक्चुअली बिकम्स अ प्लस पॉइंट कि मुझे कमरे की लाइट नहीं चालू करनी पड़ती है या आई डोंट नीड अ लैम्प. आई कैन जस्ट यूज इट एट द लोएस्ट सेटिंग जहां मैं पढ़ पा रहा हूँ एंड आई यूज दिस. तो दिस इज नॉट जस्ट अनदर स्क्रीन. मैं बस यहाँ बोलना चाह रहा हूँ. प्लीज जब पढ़ते हो तो आप लाइट कंट्रोल वगैरह कर सकते हो, बट लाइक द पीपल हु रियली रियली लाइक पिक पेपर बैग्स फॉर द पेपर, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट ना. आई थिंक वानी लाइक इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग देयर, बिकॉज आई नो कि वानी का मोस्टली आई थिंक शी स्टार्टेड यूजिंग किंडल दिस ईयर. उससे पहले लाइक शी ऑलवेज वॉज अबाउट लाइक द पेपर क्वालिटी, द थिकनेस ऑफ पेपर एंड ऑल दोस थिंग्स, जो मैंने शायद कभी सोची भी नहीं थी कितना लोग इस चीज़ को ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर. एंड लाइक वेन पीपल गो टू बाय अ बुक, लाइक उनके लिए कवर कितना इंपॉर्टेंट होता है, लाइक दे से डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट समटाइम्स पीपल डू इट. ऑल दोस टैंजिबल थिंग्स, इट्स टैंजिबल, किंडल इज टैंजिबल, बट येट इट इज नॉट टैंजिबल. दिस इज वॉट आई एम सेइंग. इट्स जस्ट लाइक एवरी बुक इज समवॉट द सेम टू यू, बट लाइक उसका एक प्लस पॉइंट है दैट यू गेट टू जज इट प्योरली बाय कॉन्टेंट. Books may you get a little partial because hey, iska cover zyada sundar hai, hey, I like the touch of the paper. Because second hand books primarily the paper is so nice. Absolutely. Sometimes I don't know. It has its own character. I mean, I feel a second hand book has its own character, has its own story along with the story that is there in the book. Yes. So that is really beautiful about them. And the other thing I feel is
we really romanticize about in the books because it has always been there. अगर हम books को romanticize नहीं करेंगे तो किसको romanticize करेंगे? Exactly. And bookshop में जाने का जो feel है, if you are like you've married the Kindle and you only want to read on Kindle, you will never probably go and experience, you know, roaming around the bookshop alleys, looking at people who is buying what, and you know, who is trying to read something and check on that book. In fact, this brings me to another point. Book covers are actually very good conversation starters. I mean, you cannot see what somebody's reading on a Kindle if you just stand opposite to him, but if somebody's reading a book agar before sunrise mein wo Kindle use kar rahe hote to before sunrise nahi bani hoti. This is what he is trying to say. Achhi baat hai na. I have a story. I once bought a second-hand book and usme I found a love letter that someone from like a 7-year-old had written to his classmate asking him to be his partner, girlfriend. And had there been Kindle us time pe, we would have never come across a note like that. Yeah, absolutely. Wouldn't that change according to the technology we have? Like pehle books nahi thi, pehle aap parchment pe likhte the. Hai na, fir books bani. अब बुक्स में आपने लव लेटर आपने डाल दी उसमें, बट अब किंडल है तो आप किंडल में कुछ और, अब मे बी आप बुक्स या फिर किंडल यूज ही नहीं करोगे फॉर हाइडिंग अ लाइक यू स्टार्ट शेयरिंग नोट्स ऑन ईमेल देन दैट्स या एक सेकंड लेट्स जस्ट थोड़ा रोमांटिसिज्म ज्यादा हो गया. अरे नहीं, थोड़ा सा इसी चीज को वापस नहीं नहीं मेरी बात सुनो जो ये सेकंड हैंड वाली चीज की बात चल रही है. आई लव सेकंड हैंड बुक्स, आई अंडरस्टैंड दैट, वो मुझे पता है. Just imagine कि आपने अपना लैपटॉप किसी को सेकंड हैंड दिया है, you would be wiping off all your data for privacy concerns, right? तो बुक्स के साथ में आप यूजुअली वो नहीं कर पाते क्योंकि आपका इतना ज्यादा प्राइवेट डेटा नहीं होता है. या आई थिंक इफ द पर्सन न्यू कि उसका लव लेटर जाने वाला है तो वो शायद निकाल लेता, वो प्रोबेबली बाय मिस्टेक गया है, उसके डाला था लव लेटर, वो पॉसिबली वानी के लिए कुछ बात होगी उसकी, वो बात नहीं चल रही. मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि दीज थिंग्स आर माइट बी, ये सब शायद अपने दिमाग में ही है मे बी, जो ये सेकेंड हैंड वाली चीज है और जो दूसरे के जो मार्क्स हैं और स्क्रिबलिंग्स हैं वो शायद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं बस ये बोल रहा हूँ, दैट इज देयर, दैट इज अ पार्ट ऑफ द बुक दैट यू आर रीडिंग. आई थिंक यू सेड इट वेल, राइट? बट वो रिक्वायरमेंट नहीं है. रोमांटिसिज्म एंगल, इट्स एक्चुअली मोर नॉस्टैल्जिया. रोमांटिसिज्म इज व्हाट वी हैव ग्रोन अप विद. बट आई मीन द ट्रुथ ऑफ द मैटर इज दैट लाइक विद एनी अदर टेक्नोलॉजी देयर सच इंटरेस्टिंग थिंग्स बीइंग सेड टुडे, राइट? टुडे एवरीवन लाइक, ओके, एट लीस्ट माय जनरेशन, व्हिच इज स्लाइटली ओल्डर जनरेशन देन मेनी यंग पीपल हियर. But my generation is sitting and trying to figure out this whole, I'm just drawing a parallel, right? Drawing a parallel to Bitcoin and cryptocurrency. And, you know, Gary Vee said it really well. He said that when our parents were, you know, getting onto the digital age, we had to convince many of them that you start using your credit card online. Aur wo darte the. Nahi, credit card fraud ho jayega, ye ho jayega, wo jayega. And we are now those people saying, arre kya hai ye cryptocurrency, aaj itna gir gaya, kal kuch ho jayega. And the truth is that's the future, right? So I think there's romanticism versus just the fact that this is the future. Right. And we were discussing it on our group internally as well, which is just that books are beautiful. They're a part to our path. I was actually thinking about something else when PU was talking, which is that one of the behaviors to paperbacks is that do you revisit books? I personally am a person who doesn't revisit a book, right? Maybe in my grand total of reading, I've revisited 5 books when I've missed something, which those are also very childhood related things. But I don't revisit books. But I think if you revisit books, having a paperback is wonderful because when you pick it up, it'll remind you of the time when you read it the first time and the memories that came with it and the thoughts that came along with it. But if you don't revisit books, the Kindle is I think it's itself a piece of art, you know. And that's why I think that the real debate over here is functionality versus romanticism and nostalgia. And what is the real power of that if you're a real reader and you love to read, you know? I think it's not just about revisiting book, even just seeing a book that's kept in your cupboard for so long, right? And you see just the backbone of it, it brings back the memory where you bought it. It could have been the first time your father got your book on the railway station, right? And for me, very honestly, most of the books when I was a kid had to be me having to cry on the railway station to convince my dad to buy me a book for the journey. And I just write the date and whatever. And just that backbone brings back so much. It's not always about, you know, actually opening the book, but just the physical existence of it. Yeah. Brings back just so much to you. Yeah. मैं एक क्विकली यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, बिकॉज लाइक द आइडिया ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट बुक, लाइक आई हैव टोल्ड दिस टू वानी सो मेनी टाइम्स, मेरे ना
टेबल पे हमेशा एक एक किताब पढ़ी होती है. लाइक दिस वॉज रिकमेंडेड टू मी बाय श्रेया बाय द वे. दिस इज लाइक माई ऑल टाइम फेवरेट बुक. मैं बहुत लाइक दिस इज लाइक लाइक यार अच्छा आई कैन इफ आई कैन से लाइक दिस इज लाइक विस्की कि यार इसको मतलब लाइक कि लाइक आई पिक इट अप लाइक सो रेयरली बट द ओवरऑल आइडिया ऑफ हैविंग इट ऑन माई टेबल एंड वॉट इट डज टू मी आई एम लाइक आई जस्ट फील सो मच बेटर हे दिस बुक इज हेयर एंड आई ऑल्सो रीड इट. ऐसा नहीं कि मैं दूर से देख के खुश हो रहा हूँ. इट्स लाइक कि मैं पढ़ता भी हूँ बट द आइडिया ऑफ हैविंग दीज बुक्स जो दी दी इट्स रोमांटिसिज्म से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे भी एक प्रैक्टिकलिटी आती है. इट एक्चुअली ब्रिंग इन दी हैप्पीनेस. तो हैप्पीनेस फैक्टर जो है पेपर बैग के साथ जो एसोसिएटेड है इट्स वेरी वेरी रियल. या ओके तो इजंट देयर इजंट कैन दैट बी अ जनरल कमेंट ऑन एनी टेक्नोलॉजी आल्सो लाइक विदाउट टेक्नोलॉजी वी हैव अ कम्युनिटी बिल्ट अराउंड इट एंड विद टेक्नोलॉजी इट जस्ट बिकम्स मोर isolations and everything. भाई आप games में देख लो आजकल video games आ गए अकेले आप टुक 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 कर रहे हो. But अगर आप पहले आप जाते तो आप सितोलिया खेल रहे हो. You play cricket, you play whatever. But it's a community that you build. So isn't that a general statement on technology rather than specifically Kindle? नहीं यार मतलब I want to disagree with that because I think we are underestimating the power of the human mind to romanticize anything. I think even with like a file that exists on your hard disk, matlab jaise abhi just as a counter, to a friend of mine had given me the entire set of Asterix, the comics on his hard disk, like at least 10-15 years ago on a pen drive. And I still keep going back to those comics and I remember the times we have spent. So matlab agar aapko romanticize karna hai, you can romanticize anything. And now coming back to a thing that I remembered from the cryptocurrency debate because I lost a lot of money. So yeah, so finances were a huge deal for me because my allowance was very little. So most of the books that I have read are on EPUBs or PDFs that I could source. So ye jo aap dekh rahe hain piche books, isme se zyada tar maine nahi padhi hai. But jo bhi e-books hai, maine sari padhi hai. Kyunki I have that mental deadline ki haan, I have put in the effort to source this. So now I have to finish reading this. तो मतलब रोमांटिसाइज आप किसी भी चीज को कर सकते हो एंड आई थिंक फाइनेंशियली इट काइंड ऑफ मेक्स मोर सेंस चूजिंग फॉर ईबुक्स. बस यही कहना था. या लाइक बहुत देर से पथिक कुछ नहीं बोले. पथिक आई रियली वांट टू नो लाइक व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस. पब्लिक भाई जो भी बोलो गुस्से में बोलना ये बहुत जरूरी है. गुस्सा आना चाहिए एकदम जोर से. तो सी मेरे लिए तो बुक्स का इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैं ज्यादातर हिंदी पढ़ता हूँ या फिर गुजराती पढ़ता हूँ और उसमें भी 1950s 60s 70s की बुक्स ज्यादा. तो वो तो ऑप्शन एक पहले से ही एलिमिनेट हो जाता है कि मुझे किंडल पे वो मिलता नहीं है. यार होता है वो बाय द वे ऑप्शन. लाइक ये हमें हम नारा ये मेरे को तब पता चला था व्हेन वानी डिड एन एपिसोड विद आनंद गांधी. आनंद गांधी टोल्ड अस कि लाइक कि ये वाली जो 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 फीचर्स है मेरे को भी नहीं पता था. एंड आई हैड दिस प्रेजुडिस कि जितने भी हमारे गेस्ट आते थे वी यूज टू आस्क देम पेपर बैक वर्सेस किंडल. और मेरे को लगता था सब बोलेंगे पेपर बैक बट एवरीवन इवन पीपल हु आर लाइक स्लाइटली एल्डर टू आई गॉट कन्विंस्ड व्हेन रत्ना पाठक शाह मैम सेड किंडल. सो इट रियली सरप्राइज्ड. शी इज लाइक या किंडल लाइक द आंसर इज ऑब्वियस एंड आई एम लाइक होली शिट. वो तो बहुत वो था. बट आई थिंक लाइक लेट्स गो बैक टू लाइक पथिक. बट उसका मैं आपको बता रहा था किंडल पे वो अवेलेबल होता है ऑप्शन हिंदी का देवनागरी फॉन्ट्स वगैरह वाला ना. इट्स नहीं आई मीन वो अवेलेबल है ऑप्शन बट काफी सारी किताबें ही अवेलेबल नहीं है उस जनरेशन से या फिर उन राइटर्स की वो बात है. तो सबसे पहली बात तो मेरे लिए वहीं पे आ जाती है कि किंडल अभी तक वहां पहुंचा नहीं है जो जमाने को मैं पढ़ना चाहता हूँ या जिन लेखकों को मैं पढ़ना चाहता हूँ. एक बात तो वो है. दूसरा ये है कि एक मेरी ये आदत रही है कि मैं जिस भी लेखक को पढ़ता हूँ अगर वो जिंदा है अभी तो मैं उनसे जरूर मिलके कुछ लिखवाता हूँ बुक्स पे. जैसे मानव कौल हो गए या फिर दिव्य प्रकाश दुबे है, गीत चतुर्वेदी सर है, उन सबसे. या फिर मानव कौल की किताबों से मुझे जैसे निर्मल वर्मा की किताब मिलती है तो मैं चाहता हूँ कि वो उस पर भी कुछ लिख कर दे क्योंकि मुझे उससे मिला. और ऐसे मेरे पास ऐसे कलेक्शन जैसा है सारे लेखकों ने उसकी पहले पन्ने पर कुछ कुछ लिखा होता है तो वो मुझे एक ज्यादा पसंद है. अब किंडल पे कहाँ लिखवा सकूंगा मैं ऐसे. How will तो... you get your copy signed? और साइन से भी ज्यादा मुझे कुछ वो मैसेज लिख के दे वो बहुत अच्छा लगता है. नहीं साइंस की तरफ से आया है. नहीं मैं साइंस की तरफ से नहीं हूँ. आई एम एंटी रोमांटिसिज्म बिकॉज़ all the Kindle versus paperback debates are won because of romanticism. So I will vehemently go against points that are Hindal jeet ke jayenge bhai. नहीं बिल्कुल बिल्कुल Hindal bhai की बात अगर आप समझो ना तो books are all about
आपको इंफॉर्मेशन लेनी ना, आपको स्टोरी पढ़नी है, आपको कुछ नया सीखना है, वो किंडल दे रहा है बेटर तरीके से दे रहा है एक्चुअली. बस ये है कि आपको बुक्स के साथ में वही पुराने जमाने का जो नॉस्टैल्जिया जोड़ करके आप चल रहे हो, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी में पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है, वहां आप शायद अटक रहे हो, खुद को रोक रहे हो जबरदस्ती. अगेन अगर आपको कोई राइटर की कोई किताब इतनी ज्यादा पसंद आई है तो मैं तो मतलब खुद ये करता हूँ कि मैं उसकी एक हार्ड कॉपी खरीदता हूँ अगर मुझे बहुत ज्यादा पसंद होती है तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको 100 की 100 किताबें जो है खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको जो किताब आपको एक्चुअली प्यार हो जाएगा जैसे वो आप खरीदो. फिर किंडल आपको ये फ्रीडम देता है कि आपको 500 किताब आप उसमें डाल सकते हो एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मेरे पास बुक शेल्फ में स्पेस कितना है या वेदर इवन इफ आई वुड लाइक दिस बुक और नॉट. आपको अगर शुरुआत में ही पढ़ के थोड़ा बहुत देखना है तो उसके लिए किंडल बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आपको फिजिकली मंगवाने की जरूरत नहीं है वो किताब को, या जाके खरीद के लाने की जरूरत नहीं है. ओके और मैं यहां पे ये भी बोलना चाहते हो तो भी आप पूरा ऐसे एक बार पढ़ के ओवरव्यू देख तो सकते ही हो तो वो मुझे वो एक फील ज्यादा पसंद है. इवन जब मैं ईबुक्स देखता हूँ या फिर किंडल पे तो मुझे उससे ज्यादा किताब को हाथ में पकड़ के एक जो फील आती है. और फिर अगेन मैं रोमांटिसिज्म पे नहीं जा रहा लेकिन वो जो बात की अभी तैयब ने कि जैसे वो शुरुआत आप देख सकते हो कि कैसा है, क्या है. मेरे को तुम्हारा एड्रेस नहीं पता है तो मैं मारने के लिए नहीं आऊंगा, टेंशन मत लो, आप बोलो जो बोलना चाहते हो. मैं तो या बताइए, एक बार कंप्लीट कीजिए. हाँ तो एक वो बात तो है कि आप किताब को मतलब अगर किताब खाने में जाकर भी अगर देखो पूरा तो वो तो मिल ही जाएगा वहीं से और कैसी है क्या बात है. और मुझे किंडल का तो नहीं पता क्योंकि मैंने वो उतना यूज नहीं किया, बट गूगल पे क्या होता है बताए कि बुक्स के शुरुआत के 20 पन्ने ही मिलते हैं. हाँ, कभी कभी हाँ, होता है मैं पूरी देख भी देखना सैंपल, सैंपल मिल जाता है फिर मैं पूरी खरीदूंगा. तो अगर फिजिकल बुक खरीद रहा हूँ तो वो एक फ्रीडम है मेरे पास. ओके सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर हिंडॉल. एट अ गन पॉइंट इफ यू वुड हैव टू से 3 गुड थिंग्स अबाउट पेपरबैक्स लाइक व्हाट वुड दे बी. ओके जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग. तो थोड़ा मैं एजुकेशन वाले साइड से गन पॉइंट की जरूरत नहीं है यार, वो समोसे के लिए भी बोल देगा भाई. क्या बात कर, कहाँ का समोसा उस पे डिपेंड करता है. okay. हाँ, पेपर बैक का एक एडवांटेज है कि आप उसके पेजेस फाड़ के. डू नॉट गो देयर, डू नॉट डू दैट. नहीं, तंगे हो जाएंगे, ऐसे मत करो. आई मे बी इन लव विद किंडल बट आई रिस्पेक्ट बुक्स मैन. यहाँ नहीं जाना, डेंजरस टेरिटरी. एक पॉइंट है, अगर रोमांटिसाइज सेकंड एडिशन करना है ना, इट्स अ ग्रेट रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म. आपको बहुत कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स अच्छे मिल जाते हैं पेपरबैक में. एनीवे तो हां, यू वर सेइंग, हां पेपरबैक्स में अगेन द एंटायर कन्वीनियंस ऑफ नोट्स वगैरह. नाउ फॉर समवन हु कांट अफोर्ड एप्पल पेंसिल, मतलब अभी मैं फाइनेंशियल वाले कोई दूसरे इसमें देख रहा हूँ कि अगर मैं वो टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर सकता जिसपे मुझे कन्वीनियंस मिल रही है, सो आई कैन स्टिल गो बैक टू द ओल्ड स्कूल मेथड ऑफ मेकिंग नोट्स वगैरह. बट हैविंग सेड दैट, फ्रॉम एन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, की Why, what are humans known for? Humans are known for reading. हाँ बोल ना यार, तू एक बार जल्दी जल्दी, यहाँ चल रहा है, सही चल रहा है. इतनी देर में गोली चल जाएगी, तुम गन पॉइंट पे थे. हाँ तो चले, that is what I'd want ना. अगर आप मुझे गन पॉइंट पे रख रहे हो तो मैं पहले बोलना चला दे, उसके बाद बात करते हैं. मुझे जीते में कोई तीन बातें करनी है अपन को, तीन अच्छी बातें करनी है. हाँ हमारी जो रीडिंग की जो पैटर्न है, एटलीस्ट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, द कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज रीडिंग वन बुक एट अ टाइम. एंड द कॉन्सेप्ट इज चैलेंज्ड टू से व्हाट रबिश इज दैट, बिकॉज़ व्हेन यू आर स्टडीइंग इन स्कूल यू आर रीडिंग 10 डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम. So why are you reading one book at a time? And this happened many years ago. Right. It was like a light bulb moment. I said, what the hell? Same. I want to start reading different things at the same time. Now, you link that to what we're debating. It's not so physically possible to have 3 paperbacks in 3 different parts of the house or something here, something there. But that Kindle is so damn efficient. Pocket mein ghusao, 3 books. And right now, for the last couple of years, at least at some point of time, I'm reading 2 books at the same time. Yeah. They're usually 2 very different books. Yeah. One will be a hardcore non-fiction, probably business or biography. One will be a super fiction, probably some crime novel, something just really fun and cool and interesting or something different, right? And the Kindle makes that so convenient, right? You're just flipping between books, you're going to your library, cut karke ho jata hai. So I think that's one thing that I feel that in that reading pattern style, the efficiency of the Kindle is just, it's unmatched, right? And I'll just go back to it. And I completely agree with Hindal that you can't win the paperback debate
if you don't make it romantic. Because for me, if there was a gun to my head, the only thing I would say is that for me, paperback books are a piece of art. Like, I will admire a person's house when I go to him and say, wow, this is an interesting book collection you have. It's a great conversation starter. Yeah. But sure, that's a conversation starter if you're... For the sake of reading, Kindle... He's a badiya cheez hai, but to clear. And I want to add one point to Dhruv's this thing. So if you lend a paperback to your friend, chances are high that they won't return it. But if you lend a Kindle book, you can still get it back. This is a great gift. Wouldn't you love to give someone a book? I would rather give them some physical book. Get samajh raha baat ko. I have lost a lot of books because of this. So. I have lost a lot of friends because of the books I gave them. Right, Navin. एक सेकंड. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी 240 लोग हमको अभी देख रहे हैं, if you are reading a physical book, this debate is not against you. आप पढ़ रहे हैं. Main important बात है पढ़ना. पढ़ना. एक अर्पित का कमेंट आया था जिससे मैं agree करता हूँ. मैं ज़्यादा ही paperback romanticize कर रहा हूँ. But like what Arpit said, screw Kindle, reading on desktop is the best. Depends on the book. Like, जैसे अगर मैं कोई novel read कर रहा हूँ, I don't care if I'm reading it on paperback or I'm reading on Kindle because it's essentially the experience is the same. But agar main computer science ki agar book padh raha hu, mere subject ki code complete and everything, I need paperback on it because I need to make like koi mujhe code likhna hai ya equation likhni hai to mujhe wo likhna padega. Even with Apple Pencil that I have, I can't do the same amount of notes on that page right next to the line compared to what I can do in paperback. Similarly, religious book jaise Bible hai, Bible mein agar aap मेरे पास ये जो बाइबल रखी है उसमें सबसे पीछे में रीडिंग वो है, क्या बोलते हैं, स्केड्यूल है कि आप एक साल में पूरी बाइबल खत्म कर लो. अब बाइबल का ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट दोनों एक ही बुक में है, तो रीडिंग को देख के आपने दोनों पेज पे जा रहे हो. किंडल में आई कुडंट फाइंड अ वे टू एक्चुअली डू दैट इन किंडल कि भी आप उधर चल जाओ फिर उस पेज पे चल जाओ उस पेज पे चल जाओ. For me, Kindle has been an experience that you are reading one page padh rahe ho, rather than skipping the books and everything, which you do with the academic books anyways. Yeah. Second thing I want to say is listing of the things. Like, if I have to mark a page, then I will mark it with bookmark. Oh, web. No, please. Wo main web, yeah, complete kijiye. If I have to mark a page, then I will mark it with bookmark. For a human brain, going through that bookmark on a physical paperback, for me, it's easier to just look, achha, mujhe ye information yahan se chahiye, ye information yahan se chahiye. Main Kindle mein bhi kar sakta hun. I can put some bookmarks on my Kindle also, but I have to go through that list and search through that list if I have enough, if I have big enough list and everything. Okay. It takes more time for me to actually go through Kindle if I need to read a book in the middle of somewhere. Yeah. So that's one thing I feel like. Yeah. You know? Okay. So quick segue. We just got a new patron, Abhijit Samir Sinha. Thank you so much, Abhijit. And we missed a lot of super chats. मैं जल्दी बता देता हूँ. दिविज की super chat आई है. इससे पहले अर्पित गुप्ता की एक super chat थी. Mr. Peanut Butter की एक super chat है. And I just missed whatever they were saying, but like there were a lot of them coming. So पीछे रहेंगे वो. But the latest one is by Dhruv, which says paperback is best. Debate खत्म, सो जाओ. चलो guys, it was nice to see you. नहीं, I still have certain things to मुझे बात करनी है. Mr. Peanut Butter said to Hindall, I hope this makes up for your loss in crypto, Hindall. Yeah. Thank you. अच्छा, मुझे एक चीज प्लग करनी थी. व्हाट वेवर वाज सेइंग कि कंप्यूटर पर पीडीएफ पढ़ सकते हो, तो एक बुक है माउस करके, जो हमारी बुक का मंथ की बुक है, वो मैंने ऐसे ही पढ़ी थी कंप्यूटर पे पीडीएफ. एंड जो अगर मैं उसको बुक शॉप में खरीदने जाता, मैंने चेक किया उसकी एक्चुअल प्राइस, तो जितनी मेरी करंट सैलरी है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बाइंग दैट काइंड ऑफ अ बुक. तो आई एग्री, मेरे साथ भी यही सीन है भाई. या बिल्कुल. बट हाउ इज द ग्राफिक नॉवल एक्सपीरियंस ऑन किंडल, कैन समवन टेल यू हाउ इज इट? आई विल शो यू माउस ऑन दिस मैन. एक सेकंड चलाते हैं. यू कांट डू. ओके, आई विल ट्राई. अरे यू कैन. आई मीन ऑफ कोर्स यू कैन. आई वुड डू. बट विल इट बी फन? तैयब, साइंटिफिकली नहीं, बट लाइक किंडल पर. अब तुम किंडल पर रोमांटिसाइज कर रहे हो. अब तुम किंडल पर रोमांटिसाइज कर रहे हो. वानी वांट्स टू से.
So Vinayak just commented. So this is something I was wondering. And if you try this to do mouse. It on Kindle. This is exactly the same size, man. The pages on the book won't be bigger than this. This is the same pixel density. The mouse is actually a very big book. The pages are bigger. Still, tell you what. अरे समझ नहीं रहा. आप पढ़ पा रहे हो इसके ऊपर? Without paying the full amount. ये बात चल रही है. Yeah. So Vinayak commented something in the chat, and he said he's reading Watchmen on his Kindle app on iPad, and that is amazing because he can zoom in and he can see everything clearly. But if you try to do the same thing on your device, sucks because I've tried to do that. Yeah. It will just be like you're doing it for the sake of you're reading it just for the sake of reading it. You won't get to enjoy the colors and the art. Karo counter chahiye, chup kyun gaye? Where is your god now? How many times can you zoom in and zoom out and read? Yeah. कोई पीडीएफ खोल रहे हो आप या आप कोई अपनी कोर्स वर्क की किताब पढ़ रहे हो विच नीड्स जैसे निमेश भाई ने बोला तो आपको उसके साथ में और सप्लीमेंट्री मटेरियल वगैरह बनाना है साथ में आपको पेजेस ऐड करने पड़ेंगे या जो भी करना है या फिर आप ऐसी कोई ग्राफिक नॉवल पढ़ रहे हो विच नीड्स which might require zooming in on Kindle, जो कि normal paper पे zoom करने की जरूरत नहीं तो ये certain side cases हैं जिसको आप जबरदस्ती introduce कर रहे हो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एक normal जो किताब है normal किताब वो Kindle पे better होती है नहीं इसमें भी caveat ये है कि paperback का अगर evolution हो तो this is the final form इससे आगे paperback का कुछ evolution नहीं हो सकता but technology is evolving कल को Kindle पे आ सकता है color वाला feature जिसमें हम comics पढ़ सकते हैं so we should not completely consider ki Kindle ye aa gaya khatam hai ab isme kuch nahi hone wala okay so I'll have we a question debating what exists right now no huh main thoda but debate ko aur aage extend karta hu sabko one word answer dena hai theek hai there are two options I'll start with patthe kaise chalenge Kindle or audiobooks ek select karna paperback option hi nahi hai aur agar zyada lag raha hai to you are at a gunpoint theek hai Kindle, audiobooks, Kindle, 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 Kind
Nimish? Kindle for the most part, except when I'm driving, then audiobooks. Okay, and Vani? Yeah, Kindle, but for autobiographies. If the person is narrating themselves, then audiobooks. Ma'am, ek like confession here, I have never been able to finish even one audiobook in my life. I read quite a lot, but maine aaj tak ek audiobook khatam nahi kiya. Mujhse bhi nahi audiobooks nahi. I have to get into it. Same here. I tried getting into it, but I just couldn't. Maine wo Sylvia Plath wali kaun si hai jiska jo Jake Gyllenhaal ki jo sister hai unhone uska narration kiya. Maggie Gyllenhaal ka usme narration hai. Bell Jar maine mere se nahi hua bhai. Like I tried to. नहीं मैंने क्या मैं क्या करता हूँ सैंपल को ऑडियो बुक्स में ले लेता हूँ लाइक इफ आई वांट टू सी व्हाट अ बुक इज ना कि भैया क्या है मुझे रीड करने की नहीं करनी उसको ऑडियो बुक में डाउनलोड करी कहीं मैं ड्राइव कर रहा हूँ वैसे यहाँ पे बहुत लंबी लंबी ड्राइव होती है पढ़ मतलब सुन ली मैंने कि अच्छा इसमें ये कंटेंट है एंड देन इफ आई लाइक समथिंग आई जस्ट गो टू किंडल एंड डाउनलोड दैट और ऑडियो बुक्स में लोग ये बात करते हैं ना 2x पे सुन लिया 1.5x पे सुन लिया ओह या या बहुत धीरे बोलते हैं वो लोग बहुत धीरे फील कर रहे हैं स्टार्टेड लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स विद I started listening to audiobooks with Ikigai because everyone was reading it and I felt very guilty that everyone is reading it and I still haven't like even touched the book and I did not want to buy the book so I just got hands on the one free credit and then I finished it. It's just for 3 hours. So audiobooks are just, for me, they are convenient. I mean, I don't need to sit down to read them. I don't COVID need to... COVID mein jaye ka, abhi to main ghar pe hu, ab main kya, matlab, when do I... Khana banate waqt bhi padh sakte, yaar. I've heard two books and I'm cooking, dusting around the house. I started reading Shoe Dog. I was listening to the audiobook and I was reading the book. Yeah. यही पूरा पॉइंट है ऑडियो बुक की जरूरत ही यही है कि व्हेन यू डूइंग समथिंग एल्स तो आप अपनी आंखों को अपने काम में लगा सकते हो और आपके कान यूज हो जाएंगे उस किताब को पढ़ने के अंदर ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस एक अलग रहेगा बिकॉज़ वंस यू एक्टिवली रीड समथिंग तो फिर आप इमेजिनेशन अपने हिसाब से कंट्रोल करते हो लेकिन जब कोई और पढ़ रहा है तो आप उसको फॉलो कर रहे हो
अब उसका फायदा भी है कि जैसे कि आप उसमें स्पीड बढ़ा सकते हो, आप उसमें स्पीड बढ़ा सकते हो, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. काफी जगहों पे ऐसा होता है कि आप मेल वॉइस की जगह फीमेल वॉइस, यू हैव अ चॉइस, यू हैव अ चॉइस विच एवर मेक्स यू कंफर्टेबल. तो वो वहीं जा रहा है. तो वो ये टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग अपनी जिंदगी आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अगेन द ओजी वुड बी रीडिंग अ पेपर बैक, आई अंडरस्टैंड दैट, बट क्योंकि आप अपने अभी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो सकता है कि आप एक हाथ से किताब पढ़ के आप खाना भी बना सकते हो. मे बी यू आर दैट पर्सन बट नॉट एवरीबडी इज, ये बात चल रही है. बट एनीबडी कुड पुट ऑन ऑडियो बुक ऑन अ स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर, और उसको वो कुछ भी खाते खाते भी, बनाते बनाते भी, सोते भी उठते भी सुन सकता है. तो वो जिंदगी आसान बनाने का एक तरीका है. I have a question for Shreya. मैं भी वही पूछ, मैं भी ऐसे ही पूछने वाला था यार. Because like these people know like so please. I was going to ask ki, so I have only used audiobooks when I'm doing something. If I don't have anything to do and I just have, if you just ask me to sit and listen to an audiobook, I won't be able to get through. I can't. So do you guys just like sit there and listen to audiobooks? Yeah, is it an escape while you're doing the menial work? I mean, of course, it's a lot to do with accessibility and the fact that you can do other things. But quite honestly, when you're really tired and you've already had to read like a gazillion briefs in the day, it really helps to just lie down and listen to somebody tell you a story at whatever speed suits you. A, B, the fact that especially when you're just lying down with your eyes closed, it really helps, I think, for me, for certain books which are very, very fictional in nature, it helps you actually imagine with on a blank space because you're not barred by text or by black and white in front of you. Okay. So to that end, I thought, I mean, if you're reading something extremely fictional with your eyes closed, it really helps. Of course, you can't sit and stare at a wall. That is going to unease you beyond belief. But you could try that out. और यार यहाँ पे मेरे को एक चीज़, I think एक और प्लस पॉइंट है ऑडियो बुक का जो मैंने खुद पर्सनली फील किया था, दैट देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ जब मुझे, जब मैं कुछ पढ़ता था तो ज्यादातर चीजें मुझे याद नहीं रहती थी. आई वाज लाइक सो मच, वो था ना, फॉग हो जाता था दिमाग में कि व्हाट एम आई रीडिंग, या आई यूज्ड टू लाइक स्टॉप एट सम प्लेस इन अ पैराग्राफ एंड देन थिंक अबाउट थिंग्स एंड देन लूज माय ट्रैक कि मैं क्या पढ़ रहा था. लेकिन ऑडियो बुक क्या आपको फोर्स करता है दैट, क्योंकि दैट पर्सन हु इज नरेटिंग विल नॉट स्टॉप, तो आपको उसके साथ चलना ही पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा. तो मे बी पेजेस आफ्टर पेजेस, तो लाइक अगर मैं एक घंटे की बात करूँ तो एक घंटे में आई वुड बी कवरिंग अप मोर थ्रू एन ऑडियो बुक रादर देन रीडिंग इट माई सेल्फ. मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आई हैव टू फॉलो, इट्स लाइक अ टीचर जो बोल रहा है सामने. अब मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कि आई कैन लाइक गो समवेयर एल्स इन माई इमेजिनेशन, आई नीड टू फॉलो दैट स्टोरी. तो अगर आपका एम है जल्दी से जल्दी चीजों को मगअप करना या सीखना, यू हैव लेस टाइम फॉर व्हाटएवर रीजन, तो ऑडियो बुक उसमें काफी हेल्प करती है. मेरे को एक चीज बताइए गाइस, ऑडियो बुक्स सुनना पॉडकास्ट सुनने से ज्यादा मुश्किल होता है क्या, लाइक इन टर्म्स ऑफ द, या बिकॉज मेरे को वही लगता है, क्योंकि हाउ डू यू डिसाइड कि ओके, क्योंकि मेरे दिमाग में होता है कि इफ आई एम लाइंग डाउन इट्स ऑलवेज म्यूजिक, सो हाउ डू आई ट्रांजिशन टू फर्स्ट पॉडकास्ट और मे बी डायरेक्टली टू ऑडियो बुक्स. ऑडियो बुक एंड आई जस्ट कुडंट कीप अप विद इट, बट इफ इट वॉज अ फिक्शन ऑडियो बुक, जैसे एक एपीजे अब्दुल कलाम की जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, उसका एक हिंदी वर्जन है जो गुलजार ने नरेट किया, एंड आई कैन लिसन टू इट एनी टाइम बिकॉज इट्स वेरी वेल प्रोड्यूस्ड एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मूवी. सो इफ इट्स like a listening experience, agar aapko kahani sunane ki tarah agar wo usko approach kar rahe ho, so you can probably start from that, kyunki then it's almost like a true crime podcast that you're listening to. So that's kind of an outlier because first of all the book is written by APJ Abdul Kalam, then it's narrated by Gulzar Sahab. God man, are you not going to get interested in even in that? Like that's the thing. And while on the topic of special cases, jo Philip K. Dick ki kafi science fiction aapne padha hoga, तो बीबीसी रेडियो जो यूरोप वाला है अपना, उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स बनाए हैं ऑडियो फॉर्मेट के अंदर, जहां पे उन्होंने साउंड इफेक्ट्स और अलग अलग टाइप के लोग लेकर के आए हैं, और इट्स एसेंशियली द सेम नॉवल, लेकिन वो एक ऑडियो बुक इज बियॉन्ड, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट नाउ. सो ऑडियो बुक्स में साउंड इफेक्ट्स होते हैं, नॉट एवरी टाइम बट हाँ उसके अंदर, जैसे मैंने बोला अगर आप ये स्पेशल्स जो बीबीसी रेडियो वाले हैं, इट्स कॉल्ड बीबीसी रेडियो ड्रामा, आई थिंक द ड्रामा सीरीज बाय बीबीसी रेडियो 2 एंड 2 और 4, आई एम मिसिंग द
exact number, and whatever you find, it's a production, it's a complete production. If they talk about a chair moving, you will instead just hear a chair moving. And if somebody's coming in on the right, you would hear, and it, I think it'll be brilliant for a horror book because there is, and to add to that, there's voice modulation. So like you are just not plainly reading a text, you can actually hear that person getting angry or, you know, talking softly or just, you know, even the silence has a sound. And yeah, it is actually great. Books falling down. I've like, I recently heard to the Midnight Library. So it is all about a library which shifts spaces and everything. That shift is also noted down by the voices in that. Yeah, it's better than watching a movie adaptation of a book because it doesn't take away your imagination at the end of it. इसमें फिर एक और ये चीज भी हो जाती है ना कि आपको स्पून फीडिंग हो रही है ये सारे एक्सपीरियंसेस के, जैसे कि चेयर रियली उसका साउंड दे दिया तो आप इमेजिन क्या कर, तो आप मतलब हम कन्वीनियंस के चक्कर में अपनी इमेजिनेशन क्यों कम कर दे कभी कभी, मतलब वो भी एक बात है. बिल्कुल नहीं, पर वो भी इमेजिनेशन डिपेंड, हर बंदे की इतनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन नहीं होती. मे बी ही नीड्स अ बूस्ट. Maybe he needs a little bit of imagination. That एक बात है वैभव जो तुमने करी कि podcast और audio books. Podcast में क्या है कि even if you're not participating in a podcast, you are still watching a conversation. So you're seeing two arguments going head to head together. That is all. That's always going to be way more interesting than just listening to an audio book. But in audio book also उसमें variation जैसे आते हैं कि भैया गुलजार साहब ने अगर dictate किया है audio book को. My God, his voice, his expression in his voice is just beyond belief. And same thing with the sound effects and everything. So at that point, you are essentially having a kind of a conversation where there's only one person talking to you, but with all the expressions that a person can bring in a conversation. So even in that kind, even in that, you can listen to it and then you can have a conversation in your own mind. If there's an audiobook, you just narrate kar rahe ho aap, ki haan bhaiya ye ho gaya. That is never going to be, and that is most of the audiobooks I've seen. Actually, that's not, couple of things. Yeah. Firstly, sorry, I'll just take 2 minutes. Firstly, everybody who's trying to segue from podcast to audiobooks, I feel a few things that are working out incorrectly for you are the fact that you're not using audiobook chapterization. Take it as a chapter at a point of time. If you leave it in between, coming back to it will always be an issue. Because unlike a book, aapka itna, matlab, like if you're reading a paperback or something, it's much easier to go back to that line. Or you know where a paragraph is going to end, or you know how many pages remain in the book. Here you'll only have a time ticker. You'll know how many minutes remain in a chapter. Try to end a chapter. Nahin. There is page number. Kya baat kar rahe ho? Aap yahan button dabake. I completely agree. In an audiobook, you will only have a time signature, right? You don't know how many paragraphs remain, how much more commitment is required, except for the time. Just take it chapter by chapter. The second thing is the audiobook game has really leveled up. Okay, so in terms of the production quality and the kind of things you're talking about, which is modulation and just being invested and not just reading it out because the teacher told you to stand in a corner and read out a chapter. It's much more engaging. It's much more involved. And like Vani said, a lot of people are reading out their own work. So there's like a new streak of passion when they're reading out that. Okay. Can you recommend, like, for starters, if I want an endpoint in the audiobook territory, like, if can you recommend me a fiction audiobook? A lot of people. Give me 5 minutes to think about it. Yeah, because a lot of people are saying Norse mythology, Neil Gaiman ki uske, I think shayad kaafi. I'm so sorry. Yeah. I'm listening to A Promised Land by Barack Obama and it's really nice. Yeah. Even Becoming by Michelle Obama is really nice. And it's actually, if Neil Gaiman, unhone khud hi ki hogi, I'm assuming. Yeah. If Neil Gaiman is, and Neil Gaiman does his own audio books, and if time commitment is an issue, I got scared by the length and I thought, let me just listen to the audio. Yesterday, the book was literally right in front of me, so I had to show it when Vani said that. Nice. Coffee table book. Nice. Yeah, yeah. Yeah, but Ocean at the End of the Lane, it's a short 182 page book, so a shorter podcast. Okay. And I think it's brilliant. Yeah.
तैयब भाई कुछ बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, और गाइस जो 250 लोग देख रहे हैं लाइक करो स्ट्रीम, लाइक करो। फर्स्ट ऑफ ऑल एम आई ऑडिबल एंड मेरा वीडियो चल रहा है क्या? हां नाउ इट्स ग्रेट। नहीं किया था ये, म्यूट नहीं करना है आपको। ऑडिबल ऑडिबल इज द ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म, सॉरी। या हां तो मैं वही जो हिंडोल भाई सवाल पूछ रहा था, मैं प्रतीक भाई से पूछना चाहता हूं कि प्रतीक भाई अगर मैं तुम्हारे माथे पे बंदूक लगा के पूछूं कि आप मुझे तीन ऐसी बातें बताइए जो आपको पसंद नहीं है पेपरबैक के बारे में, वो क्या होंगी? अरे गुड क्वेश्चन। एक तो खर्चा ज्यादा हो जाता है। कितना क्यूटली बोला प्रतीक। नहीं। दूसरा मेरी एक ये आदत है कि मैं बहुत सारी किताबें एक साथ पढ़ता हूँ, तो अगर ट्रैवल करना है तो फिर हमेशा ये रहता है कि मैं कितनी किताबें साथ में ले जाऊंगा नहीं ले जाऊंगा, तो हमेशा मिस आउट करते रहते हो। दूसरा एक ये तीसरा हो सकता है कि देयर आर सर्टेन बुक्स जो कि बहुत बड़ी और भारी होती है। एक्चुअली मुझे ना कभी कभी बुक्स के वजन और उसकी वो ज्यादा पसंद होता है कि अगर उसकी जो भी साइज है मुझे उसके साथ वो ज्यादा, किंडल में वो फील चली जाती है बताए, अगर वजनदार बुक है किंडल में वो तुरंत हल्की हो जाएगी और मेरे लिए वो बहुत एक ये है कि अरे ये तो क्या हो गया। नहीं बट काउंटर उसका, अगर आप केमिस्ट्री में पी ब्लॉक पढ़ रहे हो और आपको आप देख रहे हो कि 70 पेज का चैप्टर, 70 पेज इतना होता है एनसीईआरटी में, अगर आप उसको किंडल पे पढ़ोगे तो यू फील द लेस लोड। नहीं फिर आपको ये फील आएगा कि यार कितना और पढ़ना पड़ेगा, पता ही नहीं है कितना जाना है मुझे आगे तक। I'm surprised nobody has said this कि पेपरबैक के लिए हमें लाइट चाहिए होती, किंडल कैन बी रीड इन द डार्क एज वेल। Yeah. And there's one more thing that I want to add in favor of Kindle is the one hand reading experience. I mean, I can read my Kindle like this. Book pakadke thoda difficult, especially in winters when you're in the flat and you can only have one hand out. Aur aap late ke jo aise like pad sakte ho na, like Vani raised a very important point, but yahan pe I don't think anyone will relate to it, is that those who have kids like I do, I'm putting my 5-year-old to sleep or my 8-month-old to sleep, the night reading experience with the Kindle while a kid is sleeping on your shoulder, because that's the only way they'll fall asleep, is like it's invaluable. Because then what do you do? Can't stare at your phone for like 2 hours, right? So having a book there to read Kindle is the only way to do it. I don't know if you guys remember, beech mein bade ajeeb o gareeb inventions aaye the, where books ke upar there was like a little flashlight. Oh. Haan, I have put, that. Oh, I have that. You have that? Cute. I had it and I tried it and I was like, ye zyada ho raha hai. वो फ्लैशलाइट की बैटरी वो गिर रहा है, नहीं वो वाइब नहीं था। ट्रेन्स में होता है यार, लाइक ट्रेन्स में पेपरबैक्स पढ़ने का एक्सपीरियंस, अरे यार मजा आ जाता है। ये देखो फिर से वही रोमांटिसिज्म पे जा रहे हैं। सी देयर कैन बी ई वेबर देयर कैन बी इमोशनल एक्सपीरियंसेस विद किंडल आल्सो। हां क्या तुम्हारा क्या इमोशनल एक्सपीरियंस रहा इंडो? नहीं मैं वही बोल रहा था कि जैसे ध्रुव अभी बता रहे थे, तो ही हैज एन इमोशनल एक्सपीरियंस विद द किंडल आल्सो। बट लाइक डू यू हैव योर ओन आल्सो? Like any emotion? नहीं हाँ मैंने जो मैंने वही बोला ना एस्ट्रिक्स वाला जो मेरा था जो मेरे दोस्त ने दिया था तो वो था। मैंने डीसी कॉमिक्स ऐसे पढ़े because they were very expensive when I was in college. जैसे प्रतीक भाई ने बोला कि देयर आर सर्टेन बुक्स जो कि बहुत पहले लिखी गई थी या उनकी उनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है कि वो किंडल में आ पाई, तो देयर आर सर्टेन बुक्स जो कि आप फिजिकली फाइंड ही नहीं कर सकते हो, देयर आर नो बुक स्टोर्स फॉर दीज बुक्स, तो आपके पास में झक मार के एक ही ऑप्शन है कि उसको एक किंडल के फॉर्मेट में या एक डिजिटल फॉर्मेट में ही पढ़ने का तरीका है। देयर आर वो, क्योंकि अगर इंडिया में ही नहीं अवेलेबल है लेट अलोन दुनिया में अवेलेबल कहां पर है वो नहीं पता आपको, तो आई थिंक किंडल इज अ वेरी गुड वे टू रीड दोस बुक्स। और अगेन आपका पैसा बहुत बचेगा क्योंकि जैसे जैसे पेपर बैक की स्केयरसिटी पड़ती जाती है, देयर आर लेसर एंड लेसर बुक्स ऑफ सम स्पेशल एडिशन, उसकी पैसे उसकी कीमत बढ़ती जाती है, बट ई बुक्स में ऐसा कुछ सीन नहीं है। ई बुक्स में इज जस्ट अनदर डिजिटल कॉपी ऑफ दैट बुक, तो यू आर स्टार्ट अप्रिशिएटिंग मोर ऑफ द कंटेंट ऑफ द बुक रादर देन उसके आसपास की जो ये रोमांटिक कहानियां हमने बनाई है। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो बुक्स के साथ में अंदर जो राइटर ने जो मेहनत करी है उसको अप्रिशिएट करना ज्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए रादर देन बुक का जो कवर है वो कितना खूबसूरत है। आई गेट इट, आई लव दिस कवर, बट ये अंदर का मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और तैयब आप बिलीव नहीं करोगे कि आई मीन एंड आई डोंट मीन टू आई एम स्विचिंग द डिबेट बट आई जस्ट नोटिस द अदर डे ऑन किंडल दे स्टार्टेड एन ऑप्शन वेयर व्हेन यू ओपन योर नॉट ओपन बट लाइक फॉर दोज हु हैव कवर्स ऑन द किंडल आल्सो दोस प्रोटेक्टिव केसेस आई गॉट दैट अपडेट टू गिव यू द ऑप्शन ऑफ व्हाटएवर बुक यू आर रीडिंग विल बिकम योर ओपनिंग स्क्रीन ऑन योर किंडल। यस दे आर आल्सो ट्राइंग टू
they're yes. probably listening to feedback it's like this. If, yeah, इसका जैसे ये वाली बुक है अब मैं इसको अगर टर्न ऑफ करूंगा बस तो इसका कवर कवर आ जाएगा बिल्कुल इसका कवर आ जाएगा इसके ऊपर वो जो नॉवेल भी कोई पढ़ रहा है यस 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 अब ये कवर आ चुका दिस इज नॉट टर्न्ड ऑफ लेकिन ये कवर अब इस पर रहेगा तो दिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर लाइक दिस जैसे हिंडोल ने बोला कि देर आर अपडेट्स कमिंग इन टेक्नोलॉजी का फायदा यही है कि इट विल बिकम बेटर बाय टाइम तो आपको जो भी कमियां इसमें लग रही हैं वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी तो नाउ वी हैव आगे की जो बुक का आप कवर की बात कर रहे हो यू हैव दिस cover of the book yeah but ye book ka theek hai this is fine coming on the screen but when you read a book and I'm yes. talking about my old point of conversation start yes so you are still facing the kindle right nobody behind you will be able to see that you're reading normal people they'll see that oh yeah this guy is reading on kindle he's like super tech savvy that is why mai bolta hu ki ek achhi si book apne paas mein rakho once you find that suitable guy or a girl आप किंडल साइड में रख के वो खोल के बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए भाई ना मतलब अगर आप सोचो एयरपोर्ट पे बैठ के चेतन भगत पढ़ रहे हो तो मतलब कौन ही आपको अप्रोच करना चाहिए सही बात है चुपचाप पढ़ो विदाउट बी चेतन भगत अप्रोच करना चाहेंगे ओ भाई 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 क्या बात क्या बात मैं एक लाइक आई विल टेल यू लाइक मैंने काफी रोमांटिसाइज कर दिया हिंडोल मैं ऐसी डिबेट के लिए फॉर द सेक ऑफ डिबेट कर रहा था आई विल टेल यू व्हाट माय प्रोसेस इज आई एम रीड mostly non-fiction on Kindle. If I like something, जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, I order a paperback. So like मेरा test चल रहा होता है पहले like Kindle पे. अगर मेरे को Kindle पे वो चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद आई, hey like I just order myself a paperback also. मैंने भी यही किया है इस book के लिए. एक second किधर ये camera ये रहा. Beautiful book man, beautiful book. कभी अगर मेरा आईपैड अगर या तो क्रैश हो गया हैक हो गया जो भी है कम से कम हार्ड कॉपीज तो है मेरे पास फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ यस So that's my concern. Seeing how much security concerns there are. Should like all of us be also concerned about that? Oh yeah, you. अपने डिजिटल सामान का फायदा ये है कि आप उसकी मल्टीपल कॉपीज डिजिटल फॉर्मेट में ही रख भी सकते हो तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपका कंप्यूटर फेल हो गया तो आप उसकी मोबाइल में पेन ड्राइव में हार्ड ड्राइव में कॉपीज रख सकते हो बट हाँ खुदा ना खास्ता आपके पास में बाढ़ आ गई या कुछ और हो गया और ये जल गया इट्स नॉट देयर तो there is no other way just मेरा तो दोबारा से खरीदना पड़ेगा यार सब बहुत बड़े बड़े जाते हैं I mean I have issues with books like tearing apart हाँ हाँ बिल्कुल no I want to come to a very fundamental question it's I think everybody here lives in very large quoties वैभव आप जयपुर में पढ़ रही बहुत बड़ी कोटी में बॉम्बे में बुक्स के लिए जगह इज अ प्रॉब्लम राइट फॉर एग्जांपल एंड माय वाइफ हैज क्लियरली लुक्ड एट मी एंड सेड भाई कहां डालेंगे इतने बुक्स Right, and she's a casual reader. I'm a slightly more avid reader, and like many people over here, buying books is like retail therapy for me. So for me, partially, it's also just been about giving space. So practically, what do people do there? Or everyone lives in very large houses, which is also okay. Much respect. Not really. I keep going back to my husband every time I fall short of books shelving space. Then, you know what? You can actually gift me a bookshelf this time. So true. Yeah, this conversation is good. Book storage is a very problematic thing. Portability is very hard on books. And he has now moved to buying me bookshelves to actually constructing me bookshelves. Oh, what a carpentry. Good husband. Good husband. मेरे को जब भी बुक पोर्टेबिलिटी की बात होती है ना मेरे को वो वेकअप सेट का वो सीन याद आता है जब कोंकणा सेन की बुक्स उसके पास पहुंचती है द एक्सप्रेशंस शी गिव्स इतने ऑथेंटिक होते हैं ना लाइक व्हेन यू मीट दोज बुक्स लाइक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो जो लाइक कल्मिनेशन होता है लाइक आई जस्ट लाइक रियली लाइक दैट सीन की वो बहुत अच्छा एक ऐसे दिखाया है बुक नर्ड के जो इमोशंस है ना इट वॉज वेरी वेरी ऑन पॉइंट And also, if I may continue, this debate is not just about Kindle or books. हम तो बातें कर रहे हैं. नहीं, ये और भी चीजों के साथ में टेक्नोलॉजी के साथ में अभी शिफ्ट आया जैसे कि अगर क्योंकि आप सभी लोग मूवीज भी देखते हैं बहुत ज्यादा तो अर्लियर इट वॉज डीवीडीज का कलेक्शन आपके पास में कैसा एंड यू डू यू हैव दैट सर्टन डीवीडी या वही अगेन एक मार्कर से आपकी साइन करी हुई एक पर्टिकुलर अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर है तो उसकी वैल्यू कुछ आपके लिए तो अरबों रुपया हो गया वो बात अलग है
बट नाउ डेज एवरीबडी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स डिजिटल कॉपीज, क्योंकि उसको मैनेज करना, उसको लेके जाना, उसकी कॉपी बनाना, उसको दूसरे का शेयर करना इज मच मोर इजियर. आप वो फिजिकल डीवीडी अगर किसी मूवी के लेके चलोगे तो आधे टाइम तो यही फटती रहेगी कि अगर इस पे स्क्रैच पड़ गया तो इट्स गॉन. और अगेन मैं थोड़ा गेमिंग से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो पहले के जमाने में मतलब नॉट अबाउट 2-3 years बैक से पहले का जितना भी था, एवरीबडी वॉज इन टू बाइंग फिजिकल डीवीडीज ऑफ गेम्स. लेकिन आज के टाइम पे इट्स ऑल अबाउट डिजिटल कॉपीज ऑफ गेम्स, क्योंकि फिजिकल कॉपी जब तक आपके पास में पोस्ट होकर के आएगी तब तक आप यूजुअली वो गेम कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि जिस मोमेंट गेम रिलीज होता है उसी मोमेंट दे अलाउ यू टू डाउनलोड दैट गेम. तो अगर आप डिजिटल कॉपी के लिए ऑप्ट इन करते हो यू गेट द गेम ऑन द सेकंड दैट इट इज रिलीज, बट आपको वो वेट करना पड़ेगा कि मेरे पास कब फिजिकल उसकी कॉपी आएगी, फिर मैं उसको लोड करूंगा, फिर उसको चलाऊंगा. तो ये डिबेट और भी चीजों में है. तैयब भाई गेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उनका बहुत कूल यूट्यूब चैनल है सिमुलेटेड सुल्तान, जाके सब्सक्राइब करें. अगर उनका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट द मॉडरेटर्स टू प्लीज पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. बहुत कूल. लास्ट कौन सा गेम स्ट्रीम किया था तैयब भाई? स्पाइडरमैन किया था, और अभी आई थिंक कल परसों मैं दोबारा से करने वाला भाई को स्ट्रीम करने वाले. चैनल सब्सक्राइब करें उनका. एंड एक बहुत अच्छा सिमुलेटेड सुल्तान आप YouTube पे भी लिखोगे तो आ जाएगा. आ जाएगा गाइस, आ जाएगा. इतना बड़ा चैनल अगला किसका प्रमोट करना है गाइस बताओ. नहीं बट आई हैव अ वेरी एक इंटरेस्टिंग मैंने क्वेश्चन देखा यहां पे. किसी ने लिखा कि आई स्टार्टेड यूजिंग किंडल लेस एंड लेस व्हेन आई बॉट एन आईपैड. Is there someone like जिसने iPad versus Kindle वाली चीज experience किया? Yeah. Okay, tell us about Nimish. It. Yeah, because I bought a Kindle device and for mom and I used it a little bit and then फिर मैंने iPad जब लिया उसमें Kindle app आ गया. मैं नहीं, अगर Kindle का सही इस्तेमाल करना ना आपको तो वो Kindle device पे ही होगा, because on iPad Kindle में तो वो strain आ जाता है. iPad के स्क्रीन में तो स्ट्रेन पहली बात होती है, like I just get irritated with the amount of strain that puts it in my eyes. Kindle में वो नहीं है, it's very close to that. But then when you have iPad with the pencil and everything, तो साहब उसमें और चीजें कर सकते हो आप इधर उधर की, मतलब मार्किंग भी ढंग से कर सकते हो. You can be accurate with it. You can spend less time on markings and everything. So दोनों, there is a huge difference between Kindle app and Kindle device. तो उसको अब कौन सा बेटर है कौन सा नहीं बेटर है, मेरे को इतना वो होता नहीं है. बट आल्सो पीपल हु आर जजिंग किंडल बेस्ड ऑन द किंडल ऐप इज वेरी रॉन्ग. किंडल ऐप आपके फोन पे इज जस्ट अ सप्लीमेंट. आई लव किंडल ऐप इज सुपर्ब. इट इज सुपर्ब. नहीं, किंडल ऐप इज सुपर्ब, बट द पीपल हु डिसलाइक किंडल बिकॉज़ ऑफ देयर एक्सपीरियंस विद द किंडल ऐप, वो अलग ही चीज है भाई, एकदम अलग चीज है. बेस्ट होता है किंडल ऐप पे एक ऑप्शन होता है शेयर का. एक तो उसपे मल्टीपल कलर हाइलाइट्स होती है कि तू किसी चीज को ब्लू से कर सकता है, किसी को पिंक से. दिस थिंग्स मैटर अ लॉट. द सेकंड इज व्हेन यू शेयर समथिंग ना. सो अगर मैंने एक चार लाइन शेयर करनी है कि मेरे को व्हाट्सएप पे किसी को भेजनी है, वो एक ऐसे प्रॉपर एक इमेज के जैसे शेयर कर सकते हैं. इट इज माइंड ब्लोइंग कि हाउ ऑथेंटिक एंड हाउ लाइक प्रोफेशनल इट लुक्स. सडनली इट लुक्स लाइक यार गूगल से एक तुमने इमेज डाउनलोड करके भेजी है. सो इट्स लाइक अ वेरी वेरी कूल फीचर ऑफ किंडल ऐप. एंड बोथ किंडल मोबाइल एंड किंडल लाइक फॉर डेस्कटॉप ऐप दोनों. ऑल्सो आई थिंक जकी इज इन द कमेंट्स, और मैं चाहूंगा कि जकी भाई हमारे साथ में लाइव आ सके, क्योंकि मेरे को उनसे फुल बात करनी है. एंड आई टोटली डिसएग्री विद हिम. ठीक है, क्या हो गया भाई? ऐसे तरह के बुलाओ करते हैं आने तो जकी को, आने दो एक बार बात करते हैं. ऐसे नहीं आएगा यार जकी. आएगा क्या बोल दिया भाई? मिस्टर पीनट बटर बुलाओ यार जकी को एक बार. आएगा जकी. क्या बोला? नहीं, जैसे जकी भाई बात कर रहे थे कि फॉन्ट साइज और इट्स नॉट द सेम इमेज साइज, मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्सपीरियंस खुद से करो, फिर चीजों को जज करना चाहिए कि इट्स नॉट. आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग नॉट टू पुट अ ग्रीन स्क्रीन वाला सीन, लेकिन आप देख सकते हो इट्स नॉट एट ऑल अ डिफरेंस. इट्स नॉट लाइक आपको ये डिजिटल वाले के अंदर अजीब चीजें दिखेंगी. इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस, द साइज इज एग्जैक्टली लाइक दिस, प्लस आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हो. बस तो किंडल को आप नहीं भूल सकते. और दूसरा मैं जो पॉइंट बोलना चाह रहा था ना, दैट सम पीपल आर इन द कमेंट जो बोल रहे हैं आप अंडरलाइन कर सकते हो एंड ऑल दोस थिंग्स, मैं इस पे भी हाईलाइट कर सकता हूँ. और मैं हाईलाइट करके, इनफैक्ट द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट किंडल इज कि मेरे पास में एक ऑन द फ्लाई डिक्शनरी है. क्योंकि देखो मैं सच बोलता हूँ, मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है. आई यूजुअली फाइंड वर्ड्स इन बुक्स जो कि समझ में नहीं आता है. तो पहले तो मैं ये होता था कि एक बड़ी डिक्शनरी मेरे पास थी, वो खोल के बैठता था, बट दैट वाज नॉट सो मच कन्वीनियंट. फिर मैं मोबाइल यूज करने लग गया कि मोबाइल में, मैं मोबाइल पे वर्ड्स डाल के सर्च करता था. बट दिस इज सो मच कन्वीनियंट कि मैं सिर्फ उस वर्ड को 2 सेकंड क्लिक करूंगा एंड इट विल शो मी द मीनिंग
in different ways in the context which is in this book. Yeah. This is like even the pronunciation. This is the power of technology. जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं. तो तैयब the other feature that I really like. I prefer Kindle over normal books. Yeah. It's also that you know when you highlight a certain section, it also will tell you how many people who have read the book have also highlighted it. This is a great feature. They've created that social experience, right? Let's say 519 other people have highlighted this line. Yeah. So sometimes it just gives you a little bit of that insight, saying, okay, there's something here. With so many other people who have read the book, so they're creating that social experience, which is also interesting, right? Because I mean, as we're seeing, reading is so much about also community and sharing with people what you're reading and that experience. But Dhruv, aap khush hote ho dekhke ki yaar ye kisi aur ne highlight kiya ya dukhi hote ho? Because sometimes mere ko lagta hai, arey yaar ye to ye kisi ne kiya hi nahi hua, arey ye itne logon ne kiya hai. I think you're right. I think wo har book ki padhne ki apni personal experience hoti hai, and everybody takes away what they want from the books. Point I was trying to make is that with technology being everywhere, even the concept of reading books and consuming the most aged form of sort of consuming knowledge would also bring in some of the positives of social media, the positives of networking, you know, seeing and hearing what that is like. I think that's what I feel about it's directly it linked to Goodreads. Goodreads से directly link करते हैं बहुत वो भी एक बहुत बड़ा plus point है अगर ये episode देखने के बाद Amazon ने approach नहीं किया हमें sponsorship के लिए point ही किया हमें नहीं एक बात है जैसे एक वो बात हो रही थी कि आप normal books में आप autograph लिखवा सकते हो if you meet the writer of the book I mean it's not hard to do it in Kindle अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ और Kindle वाले ने ये implement किया मुझे पैसा चाहिए but But all you have to do is make a tab author's signature and you take your Kindle to the author and with the Apple Pencil or something, he can actually sign it on the author's signature thing. And that's like what? 20 lines of code and you be done with that. Nice. So and all that romanticism can come in that also. But yeah, agar aap paper ka agar aapko feel chahiye wo to nahi aane wala humne dekho ye hindol ke piche jo vibe aa raha hai na wo kindle se nahi aayega yes wo sahi baat ye set design ke liye aur Madhuri ke piche ye prop ban gaya hai hamare but patik bolo yaar aap to direct bola karo aap haath mat uthaya karo aap to jisko you have the liberty to like interject anyone sawal lunga bhai main tumhare saath hoon तो यू नो एक वर्ड ऐसे स्ट्रीम शुरू हुई उसी मिनट से शुरू हो गया था ये रोमांटिसिज्म वाला लेकिन बात मैं ये करना चाहता हूँ कि सी खास करके बात ही वही है ना आपने भले मना किया कि अरे चलो इस एस्पेक्ट को अभी के लिए साइड में रखे लेकिन कुछ भी लेकिन एक वही तो बात है जो आपकी ह्यूमननेस को वहां पे रिफ्लेक्ट करती है तो अगर जितना आप रोमांटिसिज्म कम करने की बात करते हो उतना आप खुद उस डिवाइस की तरह होते जा रहे हो तो मेरे ख्याल से अगर आप अपनी ह्यूमननेस बचा के रखना चाहते हो तो ठीक बात है वो बिल्कुल बहुत सही बात है कि रोमांटिसाइज करना चाहिए ब्लैक मिरर यार पतिक भाई को पूरा बोलने दो पतिक भाई को पूरा बोलने दो हिंडोल ब्लैक मिरर के एपिसोड बन गए हैं भाई नहीं ये बहुत गलत नोशन है कि सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ ही हमारा ह्यूमैनिटी या जो भी रोमांटिसिज्म कह लो जो भी है फीलिंग्स एसोसिएटेड है जैसे ध्रुव ने भी बोला कि उनका अपना ये है तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा फीलिंग्स वगैरह हम जनरेट कर लेंगे ह्यूमंस आर द specialists in generating feelings for anything. सबको अपना phone पसंद है ना मतलब हम phone से ज़्यादा किसे romanticize करते हैं यार हाँ तो ना जैसे हिंदोल ने आपने शुरू में कहा था बोला कि ये तो romanticize करना ही मत ये वही बात हो गई जैसे 20 introverts साथ में मिलके कहेंगे कि पार्टी करना तो खर्चा भी ज्यादा है और बहुत गलत बात है socialization ज्यादा है तो आप वहां पे ये नहीं कह सकते कि ये तो करना ही मत ठीक है क्योंकि जैसे आपने कहा ना सबसे पहले तो पति को भी हो जाए भाई चैट में इतनी देर से हम सब गाने गा रहे थे पति भाई ने मोड़ दिया भाई कम बोले लेकिन जब भी बोले हाँ सॉरी कंप्लीट प्लीज कंप्लीट कीजिए प्लीज नहीं मतलब जैसे आपने अभी कहा ना इंदौल की उसमें भी आपकी अलग फीलिंग्स हो सकती है वो किंडल के साथ या उसके साथ तो ऑफकोर्स होंगी लेकिन आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि ये रोमांटिसिज्म को अभी के लिए साइड में रखते हैं लेकिन क्योंकि वो एक ऐसी बात है और मैं कह रहा हूँ कि इसमें रोमांटिसिज्म नहीं होगी लेकिन जिसकी किताबों के साथ है उसका क्या तो वो बात तो है ही और आप डिनाई कभी नहीं कर सकते उसे मैं पहले क्लैरिफाई कर रहा था मैं मजाक कर रहा था स्टार्टिंग में तो अरे क्विज में भी आ जाते हैं स्पोर्ट्स देखने मैं बोल रहा था कि ये क्या बोलता है पॉइंट भूल गया
हाँ मैं बोला था हिंदुस्तान में देखो वैसे भी आशिक बहुत है, मतलब हर एक नुक्कड़ में आप जाओगे कोई ना कोई नसकट, तो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ रोमांटिसाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें, दैट इज वन। एंड सेकंड इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट थिंग, जैसे अभी के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अभी, थिंक ऑफ पीपल हु हैव बीन बोर्न इन द लॉकडाउन, वो सिर्फ स्क्रीन से घिरे हुए हैं। अब जब वो स्कूल जाएंगे, जब उन्होंने जूम पे क्लासेस अटेंड किए, सब कुछ उन्होंने इसमें पढ़ा, अब उनको अगर बोलोगे कि आप पेपर बैग से पढ़ना स्टार्ट करो तो उनके लिए कितना बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है। तो वही है, विच एवर थिंग यू बिगिन विद फर्स्ट और कैन अडेप्ट टू, यू विल एंड अप डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर इट। बस इतने कहना था। नहीं पर वो भी एक बात है जो मैं भाई नहीं कह रहा आपको, पतिक 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 हां पतिक भाई, अरे नहीं नहीं ठीक है ना, तो ये बोल लो, अरे नहीं तुम्हारा फ्लो बना हुआ है, नहीं नहीं हां मजा आ रहा, अरे नहीं आग लगा दी, आग लगा दी, मैंने पतिक को ट्रिगर कर दिया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, पहली बार आज तक हुआ भाई भाई, खतरनाक। हां पतिक प्लीज प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं See, not specifically you and all, लेकिन ये शब्द लगभग हर एक व्यक्ति बोल चुका था स्ट्रीम पे कि रोमांटिसाइज अगर ना करे, मतलब ये एक ऐसा ट्रेंड मोहब्बत नहीं, हाँ मतलब जो भी आप जिस भी चीज को तो एक यही बात पे मैं भी आना चाहता था जो आपने एक्चुअली पॉइंट आउट की, जैसे क्लासेस वाली बात है तो उसमें एक ह्यूमन पर्सनालिटी की भी बात होती है जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऐसी होगी या ऐसी होगी। तो जैसे एक ऐसी बात होगी कि कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती है जो फिजिकल चीजों से ही सीख सकती है, तो वही क्लासेस का एग्जांपल ले लो, तो स्क्रीन से बहुत सारे लोग हैं जो कभी सीख नहीं पाएंगे, उनको अगर सिर्फ एक किताब दे दो, अगर टीचर भी नहीं होगा ना तो भी वो सीख लेंगे, ऐसी बात है। तो वही पॉइंट पे मैं आना चाहता था कि कभी कभी ना एक किताब का होना उतना अच्छा हो जाता है कि उसके लिए आपको किसी भी तीसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप फिर एक स्क्रीन पे जाते हो या फिर एक ऑनलाइन चीज पे शिफ्ट करते हो तो उस पे हमेशा आपको एक वो तीसरी चीज की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी, पर कुछ नहीं तो एक इंटरनेट की जरूरत तो रहेगी। कहिए भाई क्या कह रहे। देखो मैं आई अग्री विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो पतिक भाई कहते हैं, लेकिन कुछ बातें मुझे थोड़ी सही नहीं लग रही, तो मैं आई वॉन्ट टू पुट इट आउट ताकि मे बी पतिक भाई उसको और क्लैरिटी दे सके। तो जैसे पतिक भाई आप बोलो ना किताब, तो किंडल भी टेक्निकली किताब ही है, तो इट्स नॉट लाइक कि जब कोई किंडल या कोई स्क्रीन से पढ़ेगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, वो बिल्कुल उतना ही पढ़ पाएगा जितना किताब उसको देती है फिजिकल किताब। नो नो सी उसमें मैं मेरी ही बात करता हूँ कि मेरे से नहीं हो पाता, जैसे मैं पिछले एक साल से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाता, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, तो आप ये नहीं कह सकते कि स्क्रीन का एक्सपीरियंस वही है जो एक किताब का है, वरना तो फिर फिल्म्स पे भी हम ये कह सकते हैं कि किताब पढ़ के 10 दिन क्यों बर्बाद करने हैं जब 3 घंटे की फिल्म देख के खत्म कर सकते हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ पतिक भाई, इट्स नॉट डिफरेंट, जितने पेज जितने वर्ड इसमें लिखे हुए हैं उतने ही पेज उतने वर्ड इसी में लिखे हुए, इट्स जस्ट द मीडियम। So it's not book versus movies वाला scene चल रही है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं। I'm just saying that I have translated the text. Books versus film वाला argument बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे content अलग, हम सिर्फ जरिया पे debate कर रहे हैं। बस मुद्दा वही है, मुद्दा दोनों चीजों का same है। नहीं पर एक बार नहीं, मैं भी जरिया ही बता रहा हूँ कि जैसे किताब एक जरिया है और मैं बस बोल रहा हूँ कि भाई this page is exactly like the page of the book. आपका ये जो वो मेंटल ब्लॉक ही होगा आई गेस कि आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते काइंड ऑफ थिंग, जो भी है आपको आपको लगता है कि ये होता अगर आप शुरू से स्क्रीन में पढ़ रहे होते, या फिर ये इसलिए है कि आप शुरू से किताब में किताब से पढ़ रहे हो और सडनली स्क्रीन यही तो Gen Z बोलते हैं तो है ना, दिस इज व्हाट Gen Z इज ना, द किड्स हु हैव बोर्न विद स्क्रीन्स, उन्होंने स्क्रीन से पढ़े, ये हिंडॉल का पॉइंट आ जाता है, एग्जैक्टली हिंडॉल का पॉइंट आ जाता है, जो अभी पैदा हुआ है लाइक 2019-2018 में, वो आप स्कूल जा रहा है बंदा बच्चा 3-4 साल, अगर वो स्क्रीन में कर रहा है तो वो बड़ा होकर आपके जैसी बात करेगा ओनली इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन, यू वुड बी लाइक यार यार बुक से मेरे को नहीं पढ़ा जाता, बड़ी भारी है, बड़ी ये है वो है, एंड मेरे को स्क्रीन में अच्छा लगता है काइंड ऑफ, मेरा भी यही है, आई कांट रीड ऑन डेस्कटॉप, आई जस्ट कांट,
मतलब वो ये निमिष भाई जो बोल रहे हैं ना, यू कैन डेवलप नॉस्टैल्जिया फॉर एनीथिंग बोथ द साइड्स. बिल्कुल, आपको पुराना जो एक्सपोजर किस तरफ से मिला है वही तो बात है, बस इतनी सी. कोई तो बात घूम फिर कर की यही है कि द टेक्स्ट इज द सेम, बट वही है कि अब किसी को किंडल हाथ में पकड़ के लगता है कि यार ये बड़ी हल्की चीज है, बड़ी प्यारी चीज है. किसी को किताब हाथ में पकड़ के लगता है कि बड़ी अच्छी खुशबू आती है. लेकिन ये दोनों ही चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं अंदर के टेक्स्ट की, अपन बात कर रहे हैं किताब की. देखो ये तो कैसी बात है पता है. हाँ हाँ प्लीज. आपको उस अंदर की बात तक जाने के लिए पहले उससे कनेक्ट तो होना ही पड़ेगा ना, वरना रुमानियत. सही बात है. हाउ यू रिमेंबर, आप मार्कअप करोगे एक पेज को, द मेमोरी दैट कम्स बैक टू यू इज वेरी डिफरेंट व्हेन यू हाईलाइट द सेम थिंग ऑन एनीथिंग डिजिटल, एंड इट्स अ मच स्ट्रॉन्गर कनेक्ट विद समथिंग फिजिकल. That's been true for me at least. Yeah. Like the recall value of something physical, like a physical book and a physical page, is much higher than the recall value of something digital. And my question is, ki, is that recall value dependent on your upbringing? Yeah, or is that question. Recall value good objectively is, very good objectively question. Is like that? But then ye bola jata hai, eventually you only remember 1% of every book that you read. तो मतलब yes. 1% याद रहे. You will not remember the texture of this particular page. तो फर्क ही नहीं पड़ता if there is a texture. नहीं, ये तो पूरी गलत बात है. अरे मैं टेक्सचर गलत बोल दिया भाई. It's just the marking जो भी आपने put in करी है. अगर आपने 200 किताबें पढ़ी हैं तो you won't be remembering हर किताब के वो particular highlights. You would be remembering जिस किताब की मुझे जरूरी है उसका मुझे पूरा याद रहेगा ना वो कैसा टेक्सचर था. और दूसरी बात, एक्चुअली जो आपने कहा था ना, तैयब जो वो आप कंपेयर करके बता रहे थे कि इसका क्या डिफरेंस इसका, तो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि आपने कहा था कि उसके एसेंस तक ही तो पहुंचने की मेन बात है. तो अभी ऐसा है कि देखो, अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है जो अभी अभी खाना सीख रहा है, तो आप उसको सीधा ही एक बड़े की तरह अगर दे दो और बोलो कि यही तो हम तेरे को भी दे रहे हैं, एसेंस तो सेम ही है, खा ले, तो नहीं खा लेगा. लेकिन उसको अगर आप वही यू नो कभी कभी क्रिएटिवली उसे परोसना पड़ता है या फिर उसके तरीके से देना पड़ता है, तो वही एसेंस उसमें बहुत इजीली जाएगा, जिससे एसेंस तो जा ही रहा है. तो बात वो है कि कभी कभी सबके अपने अपने तरीके होते हैं उस एसेंस को अपने अंदर लेने के. तो बिल्कुल ध्रुव वाज आल्सो वांटिंग टू ऐड समथिंग देयर. या या प्लीज. No. I was just saying one thing, which is, I think the essence of the debate and why I found it also interesting hearing everybody is so, it's fun and insightful. But ye baat hai ke bade time se, and I think it's closing out now, is that paperback readers tend to look at Kindle readers and say, this is not the real art of loving reading. Yeah. And I think that is the one thing that I was, and I've converted many people to Kindle. Bahi, ye sun karke. Especially older generation, mein ko na, bhaiya, kya bakwas kar rahe ho? Aisa toh kuch hai nahi. Aur jab main sun raha ho, when I'm listening to Pateek and Tayyab, etc., the essence of it is also that reading is reading. Yeah. There is undoubtedly, I think for the longest time when Kindle started and when it came into India and people started adopting it, you know, it was always like, aray, Kindle pe kaun padega, bro? That's not even real reading. Asli feeling to sirf pakadne mein aati hai. You know what I mean? True. When you grab hold of a book and make that happen, I think that's the fundamental change, because I will debate this very strongly to say that Kindle will increase the amount that you will end up reading. Absolutely. I think that's a scientific fact. I don't think that's debatable. Yeah. And I don't have the science, I don't have the research behind it, but just from personal experience, having gifted Kindle to, I can easily say I've gifted Kindles to at least 9 people in the last 2 years. It's like the best birthday gift of people I Amazon's love. Amazon's here now. Yeah. my mother-in-law, my family, especially those hardcore readers of the old generation. Yeah. Un sabki lives badal gayi hai Kindle leke, you know. So I think that's just the thing that I remember, which I always, that was the big debate that I have with people, saying it took me time to adopt it. But now I can safely say the quantum of my reading is much more thanks to the Kindle primarily. Yeah. And also, you will not be afraid to pursue new chain of thoughts, because you can just download the sample. Yeah. Aur ek aur cheez bata dun, like we need to wrap it now. Main sabko ek ek chance dunga last mein bolega. Ek meko Vani ne ek cool feature bataya tha. You have any document open on Google Chrome, uska ek extension aata hai Google Chrome ka, like which converts that document to like जो हमारा MOBI जो फॉर्मेट होता है ना, MOBI. सो एक ऑप्शन होता है, इट्स क्रेजी. यू आर ओपन, लाइक यू आर ओपनिंग लाइक क्रोम डॉक्यूमेंट, यू जस्ट लाइक क्लिक ऑन ऐड टू किंडल,
आपके लैपटॉप पे जो भी है वो किंडल पे आ जाएगा. ओह या इट्स अ क्रेजी. बिना कुछ वायर जोड़े बिना कोई लॉगिन करे कुछ नहीं. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ऐड टू किंडल. इट्स ऑन योर किंडल नाउ फॉर श्योर. डैम नाइस फीचर. डूड यही बात को आप आगे लेके जाओगे. यू गो ऑन Amazon एंड यू फाइंड अ बुक जो कि आपको पसंद आ रही है तो यू हैव ऑप्शंस. और आप किंडल वाले ऑप्शन को अगर बाय करोगे तो द मोमेंट यू पुट इन योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या जो भी आपने पेमेंट कर दिया योर बुक विल बी ऑन दिस एट दैट सेकंड. कोई कनेक्शन नहीं, कोई लॉगिन नहीं, कोई तार नहीं लगाना, कुछ नहीं. इट्स सैटिस्फाइंग ना, मतलब कि आपने जब वो खरीदी होती है बुक Amazon, इट्स वेरी सैटिस्फाइंग. बट टू रैप इट अप, आई विल गिव लाइक पीयू का वापस लैपटॉप रीस्टार्ट हो गया, सो आई एम सो ग्लैड लाइक शी कुड जॉइन अस अगेन. अब रैप कर रहे पीयू जाते जाते, लाइक एनी लास्ट वर्ड्स दैट यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट द लाइक होल लाइक द डिस्कशन दैट वी हैड अबाउट पेपर बैक किंडल. I would just end with this thought that I know that they both of them exist in their own spaces and they have their benefits and demerits. I just pick and choose whichever is actually convenient for that moment. And one thing that I love Kindle for is, like I said, the one hand reading experience. I just have like hurt my nose so many times with a heavy hardback book that I can't tell you. So that is one great experience. Yeah, main ek jaldi se ek cheez add karna chahunga. Hum na last moment pe jaldi sabko invite kiya tha. So we had also invited Anand Gandhi. So Anand Gandhi just messaged us. Vani, can you read the message? He was like wanting to join, but he couldn't join because of the short notice. He has just written one line. For me, the debate ended the day e-readers were invented and made easily available. So he just tried to wrap it up in one line. This was very interesting. And moving on to Nimish, any final words? I agree with you. It's completely subjective to the book I'm reading, like the kind of book I'm reading and what the topic is and everything, depending on what I need to do in the book. But yeah, Kindle is way more portable than books, obviously. And I can just take it anywhere. If I'm going to a holiday, I don't have to carry my books and everything. So I can just recall. So Kindle ke apne faayde hain. Technology ke hamesha faayde hote hi hote hain. And, but yeah, jinko books mein ek feel aati hai and everything, I don't think you can actually transfer them to Kindle. Feel aati hai ka Hindi word kya tha? Romaniyat. Aji, Romaniyat aagi. Shreya, like any last words? So this is something I found on Reddit recently. If you change the orientation of your Kindle, right, from vertical to horizontal, you can read a lot faster. Just putting it out there. I'm so trying cool. it and it's actually true. Because so cool. each time you break your line, it takes you spend additional time, right, to go to the next line, and you reduce that by a lot. This is damn nice. Also, when you're reading, if you really focus on it, you are actually missing some words and you just read like the start of the sentence and the end of the sentence and your brain basically fills up everything just in by the slots effectively. So those slots become easier. Interesting. Thanks for the interesting trivia, Shreya. Pathik, aap kya bolna chahenge jaate jaate? See, तो मैंने शुरू में भी कहा था कि मैं अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बस ऐसे डिफेंड कर रहा था किताब को. लेकिन एक बात है, एक पोएटिक सी बात करना चाहूंगा. मैं गीत चतुर्वेदी करके एक लेखक है जो हाल ही के समय के हिंदी में बहुत बड़ा नाम है, तो उनके साथ एक बार बात कर रहा था. उन्होंने मुझे बेहद अच्छी एक बात कही थी कि जैसे एक ये किताब है तो वो तीन तरफ से खुली है, ठीक है. अभी इसमें वो किंडल वाली डिबेट प्लीज मत लाना, हम सिर्फ किताब पे बात कर रहे हैं. तो वो तीन तरफ से खुलती है, उसमें एक तरफ है स्वप्न ड्रीम, दूसरी तरफ है कल्पना इमेजिनेशन, तीसरी तरफ है स्मृति आपकी मेमोरीज. तो वो तीनों दिशाएं खुलती है, लेकिन वो जुड़ी रहती है यथार्थ से, जो खुलता नहीं है लेकिन यथार्थ दोनों चीजों को जोड़ता है. क्या बात, क्या बात. गेम ओवर, गेम ओवर. बस यही था. माइक ड्रॉप. ब्यूटीफुल, दैट वाज ब्यूटीफुल. हिंडोल,
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप किंडल पढ़िए, पेपरबैक पढ़िए, जो भी पढ़ना पढ़िए, पर पढ़िए वो, दैट इज द सबसे इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट थिंग कि द मोर एंड मोर आई सी, दिस इज गोइंग टू साउंड लाइक अ वेरी बूमर थिंग, बट द मोर एंड मोर आई सी पीपल ऑन टिकटॉक, आई रियलाइज दैट पीपल शुड रीड, जस्ट रीड, दैट इज वन. इंडोल भाई आप, आपसे प्यार है हमको, बस आपने जो बात कह दी है ना, इतनी बड़ी बात कह दी ना, वो है. और सेकंड, अगर मैं कभी गुलजार साहब से मिला तो मैं पूछूंगा उनको, एक किंडल दूंगा, पूछूंगा कुछ सर लिख के दीजिए, तो देन आई विल गेट बैक टू यू. नाइस नाइस नाइस. आई विल जस्ट क्विकली एड्रेस टू मोर सुपरचार्ज. देयर इज वन बाय सुमित शेट्टी. आई रेड द एंटायर डेथली हैलोज ऑन ओल्ड नोकिया, सो आई एम प्रिटी फॉर्मेट एग्नोस्टिक. बुक रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी एज अपोज टू हाउ आई रीड. देयर इज अनदर सुपर चैट बाय सर्वेश. To be honest, romanticizing is not bad, and I am not able to digest how us humans can romanticize technology. If in the future technology can emulate human touch, would your perception be the same? And pathikopi likha unhone. They like very very. Thanks for the super chat, Savesh. Yeah, Tayyab, jaate the kya kehna chahenge? I think mere bhi thode ending notes le lo, bhai. हाँ हाँ अरे यार सबके एक एक चांस आ रहे हैं. हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेक्निकल बात कर लेते हैं पहले. छोटा जिनके पास भी किंडल है, अगर आपने कैलिब्रे का नाम नहीं सुना है तो दिस इज अ मस्ट हैव ऐप फॉर यू. आई थिंक मेरा प्रोनंसिएशन सही होना चाहिए. कैलिब्रे नाम है. सॉरी मेरे को भी नहीं पता, लाइक टेल अस अबाउट दिस कैलिब्रे. चलो जो भी स्पेल, लाइक प्रोनंसिएशन छोड़ो, ऐप के बारे में बताओ ना. कैलिब्रे इज लाइक एन ऐप जो कि आपकी किंडल की सारी बुक्स के साथ में सिंक इन करेगा. आपको कोई बुक उसमें ऐड करनी है, कोई बुक उसमें कन्वर्ट करनी है, या फॉर एग्जांपल जैसे कि बात हो रही थी कि आपको कवर पेजेस की बात चल रही, तो इफ आई डोंट लाइक अ कवर पेज ऑफ अ पर्टिकुलर बुक, आई कैन चेंज दैट कवर पेज. तो वो सब फंक्शनैलिटीज और चीजें आपको वो देगा वो ऐप, एंड दैट ऐप विल मेक दिस किंडल 100 टाइम्स मोर बेटर. और जब आप उसको यूज करोगे तो, क्योंकि वो एक फ्री ऐप है, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. तो कैलिब्रे करके एक ऐप है जो काफी चार्ट्स में भी लोग लिख रहे हैं, बनाई है. हां, एंड सो दैट इज लाइक अ ब्यूटीफुल ऐप दैट इज मस्ट हैव फॉर एनी Kindle reader. And by the but, yeah, 310 people are watching us. We just crossed 300 people. Yeah. Guys, do like the stream. Okay, 330 people are here now. Yeah. So yeah, to yeah. तो कैलिब्रे की बात हो गई. अब उसके बाद में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो भी ये रोमांटिसिज्म वाली बात चल रही है, I totally agree with both the sides. और मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अभी Kindle और बाकी e-readers अभी आए हैं, ठीक है, तो हमारी जनरेशन ने अभी पढ़ना चालू करा. अभी हमारी शादियां होंगी, बच्चे होंगे, फिर हम जब अपनी किताबें लिखेंगे, हम अपना जब रोमांस डिस्क्राइब करेंगे, उसमें किंडल आएगा. तो किंडल की रोमांटिक स्टोरीज अभी आनी बाकी हैं, ठीक है. तो इतनी जल्दी मुझे जज मत करो भाई. आपने अपनी किताबें जो पेपरबैक 200 साल पहले की लिखी हुई है, उनके साथ तो अपनी स्टोरीज हैं. तो इंशाल्लाह किंडल के साथ में भी देयर विल बी पीपल ऑन एयरपोर्ट्स एंड देयर विल बी पीपल ऑन ट्रेन्स एंड बसेस. और फिर वो ठीक है, मेरे किंडल के पीछे भी ब्लैक है, उसके भी तीन है जिसके बारे में स्टोरी आएगी. मे बी वी कैन मेक अ किंडल जिसमें पीछे एक और स्क्रीन होगा, जहां पे पता रहेगा कि आपकी आप क्या बुक पढ़ रहे हो. व्हाई नॉट गाइस, स्टार्टअप आइडिया. ठीक है, तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि दिस इज अ गुड वे फॉरवर्ड, बट दैट डज नॉट मीन दैट आई एम अगेंस्ट बुक्स. आई लव बुक्स. मैंने सबसे पहले किताब बुक, फिजिकल बुक ही पढ़ी थी, और वही मुझे याद है, तो वो मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ. मैं बस, मैंने पहले भी पहले आपको बताया था कि देर आर सर्टन बुक्स विच होल्ड मोर वैल्यू टू मी, तो मैं उनको चला करके खरीदता हूँ. मे बी हार्ड कवर्स, मे बी पेपर बैक्स, मे बी सम स्पेशल, जिनके स्पेशल कवर्स होते हैं, वो मेरे साथ चल रहा है. बट ईज ऑफ यूज और गोइंग इन टू द फ्यूचर, जो मुझे आगे मेरी जिंदगी की 500 किताबें और पढ़नी है, दोज विल बी मेजोरिटीली ऑन द किंडल. So if we theek hai, let Kindle win the battle, but will you be happy to live in a world where there are no libraries? No, I cannot. If there are no paperbacks, there will be no libraries. Unfortunately, I cannot. Huh. And this is so interesting. Moving on to Dhruv, any final words? No final words. PU libraries will also evolve. You'll walk into a physical space where you'll be able to read books in a virtual environment, which will be rich with inputs from the author and audio coming in, and that, you know, that imagine if Minority Report was a library and that experience coming to you, that's it. But I completely echo what Tayyab was saying, what Hindo was saying, that it's all about reading. And I would tell everybody though that even if you're a hardcore paperback reader, don't diss the Kindle experience. Absolutely. Like I said earlier, it'll get you to read more. Definitely. That's it. Absolutely. Mm. That's it.
सो या जाते जाते वानी आप बस रैप कर दो इसको एंड देन वी विल एंड द स्ट्रीम. Great. So it was a very आप भी बता सकते हो like आपके जो ending वो है like yeah. Yeah, yeah. I'm just so I agree with whatever Hindal said. The end goal is to read. So read whether you read it on desktop or Kindle or paperback, just read. Personally, I still buy paperbacks despite owning a Kindle because I think they make for they are cheaper showpieces and I don't know. They just help to decorate your place as well. But no, the bottom line is read as much as you can and whatever helps yes. you to do that, that's important. And we are going to try hosting a debate every Thursday yeah. now. So and debate is like a thoda is a scary term, like discussions. We'll have a healthy discussion. Healthy on discussions. Yeah. But चर्चा चर्चा चल रही है उसी या, चर्चा या, है या, या किताबों पे चर्चा हाँ so this so that is something that we'll try to do every Thursday. I'm so sorry Vaibhav, no no yeah this was really great. अगले Thursday भी like we will invite you guys like अगर आप free हो तो please do join us and it was amazing to have you here and the 310 people who are still watching do like the stream. Like we learned it yes. from a lot of YouTubers. जब आप stream देख रहे होते हैं आप like करते हो तो algorithm में YouTube उसको और push करता है the number doubles down and that is how हमारा कल का stream भी you guys know what happened there. So yes, we will end the stream now. Thank you so much for watching. Do subscribe to the channel. Keep watching and हमारे like if you want to become a patron हमने link in description डाला है and we will end the stream now. So thank you Nimish, Shreya, Piyu, mask पहनो घर के अंदर रहो बाहर नहीं जाना है बिल्कुल भी yeah. जब भी वैक्सीन लगाने का मौका मिले जरूर वैक्सीन लगवाओ और अपना अपने घर वालों का पूरा ध्यान रखो. This is the time to stay indoors. Absolutely. ठीक है. Absolutely. And keep reading. Yeah. Yes. Yes. Time to read. Yeah. So thank you guys. What fun. Thank you so much guys. I'll end the stream now. Bye. Bye. Good night. Bye bye.